हेलो फ्रेंड्स और मोस्ट वेलकम इन माय यूट्यूब चैनल एविएशन जगत। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं कि एमी स्टूडेंट का क्या फ्यूचर है, उनके पास कितने मतलब कि जॉब के ऑप्शंस हैं, इंडिया में टोटल कितने जॉब के ऑप्शंस हैं। स्पेशली हम बात करने वाले हैं यहाँ पर कितने अपने देश में MRO हैं, कितनी एयरलाइंस हैं, उनमें कितनी एयरलाइंस जो है रीजनल है, कौन कौन सी एयरलाइंस जो है शेड्यूल है, नॉन शेड्यूल एयरलाइंस। टोटली हम यहाँ पर बात करेंगे कि हमारे पास कितने जॉब के ऑप्शन हैं, हम कहाँ कहाँ पर जा सकते हैं। और जब हम फील्ड ज्वाइन करते हैं तो उस टाइम हमें ये सब चीज़ें नहीं पता रहती, या फिर जब हम लास्ट ईयर में पहुँच जाते हैं, जब निकल भी जाते हैं, तब तक भी हमें बातें नहीं पता रहती कि अपने देश में अपने इंडिया में टोटल कितनी एयरलाइंस हैं, टोटल कितने चांसेज है हमें जॉब के लिए। मैं जनरली क्या बता रहता है, 7 एयरलाइंस के बारे में जनरली पता रहता है जो कि शेड्यूल होती हैं, एयर इंडिया, गो एयर, स्पाइस जेट, विस्तारा, साइड में देख भी सकते हैं। और हमें जनरली इन सभी जो एक्स्ट्रा जो कुछ अलग होती हैं एयरलाइंस, इन सभी के बारे में हमें नहीं पता रहता। इनमें भी सैलरी वही होती है जो यहाँ पर सैलरी आपको देखिए, शेड्यूल एयरलाइंस वही नॉन शेड्यूल भी सेम आपको सैलरी देने वाली है। वहाँ पर भी आप EME बनेंगे, यहाँ पर भी आपको EME ही बनना है। तो यहाँ पर बच्चे जनरली जॉब की कमी कब हो जाती है, तब हो जाती है जब हम बस ये 7 शेड्यूल एयरलाइंस को देखते हैं और बाकी की इधर जो 150-200 हमारे पास ऑप्शन पड़े हम इसको पूरी तरीके से भूल जाते हैं। तो स्पेशली मैं यही बताने वाला हूँ कि हमारे पास कितना ऑप्शन है जॉब का इंडिया में, कितना ज़्यादा ऑप्शन है, क्या हम सही ट्रैक पर हैं। अगर हम कर रहे हैं EME या फिर हम पास आउट हो रहे हैं तो क्या हम सही ट्रैक पर हैं या सही ट्रैक पर नहीं है। अभी तो बच्चे बहुत ज़्यादा डाउट में इस टाइम चल रहे होंगे क्योंकि कोविड है, तो कोविड के कारण बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है फील्ड का, जिसके कारण बच्चों की पढ़ाई भी एक्सटेंड हुई है सब कुछ। तो मैं सबसे पहले ये बोल दूं कि अभी आप डिमोटिवेट बिल्कुल मत हो, ये कोर्स छोड़ने का बिल्कुल मत सोचिए, क्योंकि कई बच्चों का मेरे पास टेक्स्ट आया, मैसेज आया, कॉल भैया कि हम अब कोर्स छोड़ने का सोच रहे हैं। मैं भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा फील्ड के बारे में भी बहुत आगे बढ़ चुका हूँ, मैं भी अभी जस्ट पास आउट हूँ और मुझे अभी जस्ट मिला है। लेकिन मैं एक बार आपको याद दिलाना चाहता हूँ कि अपने इंडिया में टोटल कितनी एयरलाइंस हैं और कितनी नई नई अभी जस्ट खुली है लास्ट के 3-4 साल में, तो आगे क्या और ऑप्शन हो सकता है, कितनी और एयरलाइंस भी खुल सकती है। आप इन सभी चीज़ों को जानिए और बिल्कुल मोटिवेट रहिए। तो हम आते हैं अपने टॉपिक पर, आपको पहले बताएं कि कितनी एयरलाइंस है और आप इन शेड्यूल एयरलाइन से थोड़ा आगे बढ़िए, थोड़ा उठ करके और आगे देखिए कि कितना आपके पास जॉब ऑप्शन है स्पेशली। और अगर आपको कोई डिमोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हो तो बिल्कुल इसको चक्कर में न पड़िएगा। हाँ, इंडिया में बहुत ऑप्शन है एक EME स्टूडेंट के लिए, वो बहुत आगे जा सकता है। अभी आप लास्ट में खुद ही समझ जाएंगे जब आप सारे फैक्ट्स को वीडियो में देखेंगे। अंत तो हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेकिन स्टार्ट करने से पहले चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना न भूलिएगा, क्योंकि मैं हर एक इन्फॉर्मेटिव न्यूज आप तक पहुँचाने की पूरी कोशिश करता हूँ। तो हम सबसे पहले यहाँ से चलेंगे शेड्यूल एयरलाइंस। शेड्यूल के बारे में तो जनरली हर एक बच्चे को पता रहता है, क्योंकि वो उसकी OJT जनरली वहीं से कंप्लीट होती है, उसकी स्टार्टिंग ईयर की अप्रेंटिसशिप वगैरह सब कुछ वहीं से कंप्लीट होती है। और मैं बात करूँ एक EME स्टूडेंट के लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज जो मुझे अभी तक समझ में आया है वो यही हो सकता है, अप्रेंटिसशिप वाला या फिर ट्रेनिंग पीरियड वाला, जो उसका OJT का ट्रेनिंग पीरियड होता है वो उसके लिए सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग फेज है इंडिया में। उसके बाद जहाँ वो एक बार फील्ड में चला गया, जहाँ एक बार जूनियर टेक्नीशियन ट्रेन टेक्नीशियन बन गया, और उसके बाद अगर ढंग से लगा हुआ है, मेहनती लड़का है, तो जरूर आगे निकलेगा और जरूर EME बनेगा, इतना तो मैं डन बोल सकता हूँ। और उसके साथ साथ उसको अपने लाइसेंस पेपर भी साथ में निकालते रहे, अगर एक एक भी लाइसेंस पेपर दे तो आसानी के साथ वो सारे पेपर लास्ट तक क्लियर कर जाएगा 5 साल के अंदर अंदर तक EME बनने से पहले। तो हम बात करेंगे कितने MRO हैं, कितने नॉन शेड्यूल, चार्टर कितने इंडिया में, कार्गो कितने हैं, रीजनल कितने हैं, इन सभी के बारे में बात करने वाले हैं। तो मैं आपको बता दूं दोस्तों कि MRO इंडिया में कितना है। इंडिया में टोटल जो है इस टाइम 114 MRO जाए, शायद आपको पता नहीं रहा होगा इन सभी चीज़ों के बारे में कितने MRO, तो आप जान लीजिए कि टोटल 114 MRO है इंडिया में। उनमें से बेंगलुरु रीजन में 11 है, चेन्नई रीजन में 13 है, कोलकाता में 11 है, मुंबई रीजन में 37 है, दिल्ली रीजन में वहीं पर दिल्ली रीजन में 42 MRO है। इसके साथ साथ आप जो है सर्च करेंगे जब भी क्रोम पर बेंगलोर रीजन में MROs कितने हैं, मैंने ऑलरेडी वीडियो भी बनाया है, इस बार आप देख सकते हैं कितने MRO हैं। और आप अगर आप जॉब के लिए वहां पर अप्लाई करना चाहते हो तो अभी तो कोविड है, अभी आप जा नहीं सकते, आके आप EMAIL ID निकालिए और वहां पर आप अप्लाई करिए, आप अप्लाई कर सकते हैं जब आपकी OJT वगैरह कंप्लीट हो गई है। तो मैंने क्या पहली बात बताया कि MRO कितने इंडिया में, 114 MRO है इंडिया में। और आप अगर EME हो, EME स्टूडेंट्स हो, तो अब ये सी बात है आप इन MRO में आप काम कर सकते हो, एक तरीके से आपके फ्यूचर का ये ऑप्शन है, यहाँ पर आप जा सकते हैं आराम के साथ। और अब हम बात करेंगे इसके साथ हमारे देश में टोटल कितने हैं,
रीजनल एयरलाइंस, मैं अभी बात करूं रीजनल एयरलाइंस अपने देश में कितने हैं, तो टोटल यहां पर 1 2 3 4 5 6 7 सेवन है, जिनमें नाम इनका देख सकते हैं आप, एलायंस एयर हो गई, एयर डेक्कन हो गई, एयर हेरिटेज हो गई, फ्लाई बिग हो गई, स्टार एयर, ट्रू जेट और जूम एयर। तो एयर हेरिटेज जो है देहरादून में है, और आप इन सभी देख सकते हैं कि इन इन का मतलब कि अभी स्टार्ट कब से हुई है। आप देखिए 2015 के बाद कितनी रीजनल एयरलाइंस इंडिया में स्टार्ट हुई हैं। तो अगर आप अभी भी सोच रहे हैं कि आप गलत ट्रैक पर हैं, तो आप बिल्कुल ऐसा मत सोचिए, बिल्कुल सही ट्रैक पर हो। अगर आप एमई स्टूडेंट हो, अच्छे से पढ़िए और आप देख सकते हैं कि कितनी ज़्यादा नई एयरलाइंस इंडिया में खुल रही हैं। अगर ये कोविड ना होता तो अभी तक, सच बता रहा हूँ, मैक्सिमम जो स्टूडेंट घर पर बैठे हुए हैं ये अभी कहीं ना कहीं प्लेस जरूर होते। अब इसके बाद देख सकते हैं इंडिया में कितनी चार्टर एयरलाइंस हैं। इंडिया में टोटल 22 से ज़्यादा ही चार्टर एयरलाइंस हैं इंडिया में, और उनके साथ कार्गो ज़्यादा नहीं है, कार्गो 3 ही है। और अब उनमें में से देख सकते हैं, तो जो 2015 के बाद ही जनरली उसी के आसपास से स्टार्ट हुए हैं जो जो भी कार्गो एयरलाइंस है। तो और तो बेसिकली मेरा यही कहना था, मेरा आपको याद दिलाना था कि अपने देश में शेड्यूल एयरलाइन जो 7 है, इनके अलावा भी और भी कुछ है एयरलाइंस, और भी कोई फील्ड है जहां पर आप जा सकते हो, सिर्फ शेड्यूल में ही ना फंसे रहिए हमेशा के लिए। दोस्तों, मैं आपको एक बहुत बड़े महापुरुष की, मतलब कि महापुरुष ही समझ लीजिए हैं, रतन टाटा जी, मैं आपको उनका एग्जांपल देना चाहता हूं, उनकी एक बात आपको याद दिलाना चाहता हूं। उन्होंने ऐसा बोला था कि आप किसी भी फील्ड में अगर एंट्री करने जा रहे हैं तो आप 20 बार सोचिए, और अगर कर लिए एंट्री तो फिर बाद में आपको नहीं सोचना कि गलत है या सही ट्रैक है, हम इसको चूज किए हैं तो हम इसको सही करके ही दिखाएंगे, कुछ भी हो जाए हम इसको सही करिए। रतन टाटा जी को ही देखिए, उन्होंने अभी एयर एशिया का 85% जो है, नियरली 85% एयर एशिया का स्टेक जो है उनका शेयर जो है खरीद लिया है। तो क्यों खरीदे हैं, इतना भी घाटे में फ्यूल फिर भी तो खरीदे, क्योंकि उनको पता है कि फ्यूचर बहुत अच्छा है, 1-2 साल में सब कुछ सही हो जाएगा। अभी जो है लेकिन 1-2 साल बाद तो कोविड रहेगा नहीं, सब सही हो जाएगा, उस टाइम फ्यूचर बहुत बिल्कुल सही रहेगा। इसीलिए उन्होंने ऐसा किया है, इतने बड़ी एयरलाइंस को 85% शेयर उन्होंने खरीदा है, तो इतने समझदार है। तो आप उनका एग्जांपल लेकर खुद ही सोच सकते हैं, और उनकी इस बात को हमेशा याद रखिएगा कि अगर आप किसी फील्ड में एंट्री कर दिए और फिर आप पहले सोचिए, लेकिन एंट्री करने के बाद फिर आप उसको सही करके दिखाइए, ये नहीं कि हाँ सही हो सकता है गलत, आप उसको बिल्कुल सही करके दिखा सकते हैं। और मैं आपको एक बहुत जरूरी बात बताना चाहता हूँ, जितना मैंने अभी तक एक्सपीरियंस किया है इस बात को, कि आप कभी भी इस फील्ड में ओवर कॉन्फिडेंट मत होइएगा कि हाँ मेरा इससे सोर्स है, उससे सोर्स है, मेरा करवा देगा, इधर करवा देगा, हम चले जाएंगे किसी भी शेड्यूल एयरलाइंस में। अगर आपके पास जो भी ऑप्शन मिल रहा है, आप उसमें जाइए, आप एक्सपीरियंस लीजिए, जॉब करिए, ये नहीं कि रीजनल के चक्कर में, सॉरी, आप इन्हें कि आप शेड्यूल के ही चक्कर में रहिए। मैं आपको एक बात बता रहा हूँ, बिल्कुल एकदम सही स्टोरी है, और मेरे ही कॉलेज की है, आप सुनिएगा। बात ऐसी है कि अभी कुछ दिन पहले हमारे कॉलेज में एक एयरलाइंस आई थी जिसका नाम था एयर हेरिटेज, हेरिटेज एयरलाइंस थी, जो कि देहरादून में ही है। वो आई थी बच्चों के प्लेसमेंट के लिए, मतलब कि कुछ बच्चों को उनको ले जाना था, वो आई थी। तो उस टाइम कुछ बच्चों का कॉन्फिडेंट लेवल इतना ज़्यादा हाई था कि यार मुझे गो एयर में मिल जाएगा, मुझे एयर इंडिया मिल जाएगा, मेरे लिए इस एयरलाइंस में, उस एयरलाइंस में, उस प्लेसमेंट में बैठे ही नहीं वो बच्चे, क्या किए, उस प्लेसमेंट में नहीं बैठे, मतलब कि उसका प्लेसमेंट ही छोड़ दिए। और वो अच्छे बच्चे थे, मे भी शायद वो बैठे होते तो शायद कुछ हो जाता जब भी रिजल्ट आता उसका। लेकिन अब क्या किए, अभी तो उधर भी कुछ नहीं हो रहा, गो एयर एयर इंडिया कहीं भी कहीं कुछ नहीं हो रहा, जहाँ जहाँ पर हम पूछ रहे हैं तो सब बोलते हैं कि जुलाई अगस्त तक जाइए। और जब एक कंपनी सामने से आपके पास कोई आ रही है, आप उसका इंटरव्यू ही नहीं दे रहे हैं, कम से कम इंटरव्यू तो दो यार, एक्सपीरियंस तो कुछ मिलेगा, ऐसा कुछ हो रहा है तो मैं इतना बोलूंगा कि ऐसा कुछ हो रहा तो आप उसमें जरूर बैठिए। अब इन बच्चों के साथ देख लीजिए ना, उस अब तो उस कंपनी में तो कोई ऑप्शन ही नहीं इनके पास जाने का, क्योंकि इन्होंने इंटरव्यू नहीं दिया है। और जो अदर भी है, अभी तो कहीं कुछ हो नहीं रहा, जुलाई अगस्त तक सब जगह पर बंद पड़ा है। तो ऐसा मैं बस यही बताना चाहता हूँ कि अगर जो आपके पास ऑप्शन है थोड़े बहुत छोटे मोटे, आप इनको पूरी तरीके से मत छोड़ दीजिए, जो भी आ रहा है आप उसको ग्रहण कीजिए, आप उन पर जाइए, उस कंपनी में इंटरव्यू दीजिए आप अपना, आप अगर सेलेक्ट हो गए तो बहुत सही बात है। तो मेरा इस बात को बताने का ही मोटिव था कि आप ऐसे स्टार्टिंग टाइम में कुछ चीज़ें लेफ्ट मत करिए कि यार मैं ये छोटी है ये बड़ी है, इन सब चीज़ों ध्यान न दें। अगर आप ये ध्यान दें कि मुझे अभी एक्सपीरियंस लेना है या फिर मुझे जॉब करना है, तो ज़्यादा बढ़िया बात होगी। तो दोस्तों, वीडियो अगर यूजफुल हो, इन्फॉर्मेटिव हो, तो चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करो, चैनल को लाइक करो, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो और यूजफुल वीडियो आपके लिए हमेशा आपको मिलती रहेंगी। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।